उस फार्मा इंडस्ट्री में यूज होने वाला जो देखिए, ये जो कार्रवाई है ये राकेश गुप्ता बैजनाथ भोई 196/2 नई जीवन की सेल जो कि बदेश्वरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जो कार्रवाई कर रहे हैं ये 2 मंजिला मकान है जो पूर्ण रूप से अवैध रूप से इसका निर्माण किया गया। देखिए, जो कार्रवाई है ये राकेश गुप्ता बैजनाथ भोई 196/2 नई जीवन की सेल जो कि बर्देशपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जो कार्रवाई कर रहे हैं ये 2 मंजिला मकान है जो पूर्ण रूप से अवैध रूप से इसका निर्माण किया गया है, उसको हटाने के लिए अपराध भी है सर इसके नाम पर। और हाँ, थाने पे थे जब ये जानकारी मिली कि इसके विरुद्ध बहुत सारे अपराध हैं, और उसको भी देखते हुए पुलिस की भी इसके ऊपर इस कार्रवाई में उनका भी अपना एक कहना चाहिए कि सूचना थी, और इसीलिए पुलिस और इस विशेष रूप से ये कार्रवाई पुलिस और नगर निगम के दोनों के साथ में मिलकर के हो रही है। यहाँ पे जो भी कार्रवाई है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये आ रही है कि यहाँ पे पैदल चल के आ जा पा रहा है, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि जहाँ हमारी मशीनें आ सकें, लिहाजा यहाँ जो कार्रवाई हो रही है वो मैनुअल हो रही है हथौड़े से और सप्पल से। इसी बात है कि इस मकान के अंदर जो कनेक्शन था वो सीधा का सीधा LT जो निकली थी उससे लिया गया था, जिसको मैंने कटवाया है। एक संभावना ये बनती है कि अगर यहाँ अवैध कनेक्शन है तो हो सकता है आसपास की तरफ अवैध कनेक्शन हो, लिहाजा पूरी लाइन कटवा दी। और पूरी लाइन कटवाने से ये हुआ कि जो विद्युत से मेरे वाइब्रेटर चलने थे वो मेरे वाइब्रेटर अब नहीं चला पाऊंगा, लिहाजा जितना हम मैनुअल हाथ से कर पाएंगे उतना कर सकेंगे।
गुंडों के बाद ये भू माफियाओं के बाद अब कार्रवाई की जा रही है, क्या ये अब गुंडों पर लगातार चलने वाली कार्रवाई है? देखिए ऐसा है कि जो भू माफियाओं पर जो अभियान चल रहा है वो भी शासन के निर्देशानुसार और जो नगर निगम है, पुलिस प्रशासन है, इनकी जो सूचना है और जानकारी है और जो इसके बाद जांच में स्थिति आती है उस पर कार्रवाई हो रही है। वर्तमान में ये है, ये विशेष रूप से देखा जाए तो ये कहना भी सही होगा कि ये अपने आप में यहाँ का गुंडा है, हिस्ट्री शीटर है, तो पुलिस के साथ पास जो सूचना थी उस हिसाब से हम लोगों ने इसके मकान की जांच की और जांच में इसका मकान पूर्ण रूप से अवैध पाया गया, उसके आधार पे ये कार्रवाई की जा रही है। सर, गुंडों को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन नगर निगम सक्रिय है, परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में भी आज एक के मकान को ध्वस्त किया, कितने अपराध है और क्या नाम है इसका? ये राकेश भोई नामक ये लिस्टेड गुंडे हैं परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में। इनके ऊपर कई संगीन अपराध, करीबन 15 के आसपास अपराध हैं इनके, जिसमें से कई संगीन किस्म के अपराध, 302-307 जैसे अपराध भी शामिल हैं। अभी पिछले माह ही इन्होंने इनके द्वारा 307 और 327 जैसे गंभीर संगीन अपराध किए गए हैं। और फिर कार्रवाई में हम लोगों को पता चला कि इनका भी अवैध अतिक्रमण इन लोगों ने कर रखा, तो नगर निगम के साथ मिलकर हम लोग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सर, लगातार यह कार्रवाई इसी तरह शुरू हुई क्योंकि कई संगीन अपराधी भी इस तरह से पनाह देते जिन लोग, तो उन पे यह कार्रवाई लगातार चलती रहेगी? ये लगातार चलती रहेगी, हमको और भी कोई अगर इसमें समझ में आता तो उनके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होगी। चाचा यार ये अपना पेट कर दो, लड़का आ गया।